वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम सुबोध कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बीसीए डिपार्टमेंट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। आई एम यूजिंग कोड ब्लॉक आईडी टू राइट एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कोड ब्लॉक एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। आई हैव सेव्ड द न्यू प्रोजेक्ट विथ सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट्स नेम। And next I am going to insert an empty file. So click on file, new, empty file. Click yes and save the file with the file name. I am writing the file name as linked list dot cpp. Click on save. Here click on OK. Now our program is ready. We are going to close this window. Now first of all we have to declare the structure for the node. Okay, so I am going to include the header file first. As include all your string dot h. Now the declaration for the structure for the node, struct node, and this program we are going to store an integer data value to each node. So the data part name is data of type int, and to store the address of another node the name of the link part is link which is of type node. So node asterisk link. Okay, so this link is a pointer so that it can store the address of the node. Okay, so this is the declaration for the structure for node. Okay, now I am going to define a function initialize. This function is used to initialize the start pointer of the for the linked list. So it's start equals to null. So we have to also declare a start pointer. So we are declaring the start pointer here. Okay, so after the declaration of and definition of initialize function we are going to define the insert function. So void insert int num. The num argument is the value which is to be inserted in the node. Okay, first of all we have to create a new pointer of type node, node asterisk nptr, and we are going to initialize this node nptr using new operator, new of node. Okay, so इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, और अगर अवेलेबल मेमोरी है तो ये नोड के लिए एक एड्रेस असाइन हो जाएगा, अदरवाइज जो एन पी टी आर हो वो नल रहेगा. ओके, तो हम लोग डिक्लेरेशन के बाद जो नंबर है उसको हम लोग चेक कर लेंगे पहले कि नोड क्रिएट हुआ है कि नहीं. तो इफ एन पी टी आर इक्वल्स इक्वल्स नल, तो इसका मतलब है नोड क्रिएट नहीं हुआ है. ओके, तो सी आउट नोड नॉट क्रिएटेड. ओके, तो उसके बाद हमको एग्जिट रहना चाहिए. सो वी हैव टू राइट रिटर्न. लेकिन अगर एन पी टी आर नल नहीं है डैट मीन्स नोड का एलोकेशन हुआ है, देन
we have to insert the node. Before inserting the node, जो डेटा वैल्यू है वो न्यू नोड के लिए उसको हमको इनपुट कर लेना होगा. तो कैसे होगा, होगा NPTR एरो डेटा इक्वल्स टू नम. तो जो फंक्शन के आर्गुमेंट में ये आर्गुमेंट पास किए हम लोग नम, ठीक है, ये वो नंबर है या वो डेटा वैल्यू है जिसको इंसर्ट करना है नोड में. ओके, तो NPTR का जो डेटा पार्ट है NPTR एरो डेटा से डेटा पार्ट एक्सेस होगा और उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, उसमें नम का वैल्यू स्टोर हो जाएगा. ओके, नम का वैल्यू स्टोर करने के बाद हमको क्या करना है कि जो लिंक पॉइंटर है न्यू नोड का, ठीक है, तो लिंक पॉइंटर ऑफ न्यू नोड विल पॉइंट टू द स्टार्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो ये हमको करना पड़ेगा, यानी जो न्यू पॉइंटर है तो उसका लिंक पार्ट में जो स्टार्ट है उसको स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है, अब इससे क्या होगा, यानी पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं, NPTR arrow link equals to start. ठीक है, स्टार्ट में बिगिनिंग में क्या है, नल. अगर एक भी नोड नहीं है तो स्टार्ट में नल वैल्यू स्टोर है. तो अगर ये नोड फर्स्ट नोड है यानी स्टार्ट में नल है, तो जो फर्स्ट नोड क्रिएट होगा उसका लिंक पार्ट में स्टार्ट जाएगा यानी कि नल जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर पहले से नोड है, ठीक है, पहले से नोड होने का मतलब है कि स्टार्ट में जो नोड है, जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस है. तो अगर पहले से नोड है तो उसका फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट में है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस जो नया नोड बनाया हम लोग का NPTR उसका लिंक पार्ट में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, यानी कि अब जो न्यू नोड है हम लोग का है वो न्यू फर्स्ट नोड बन जाएगा, करेंट फर्स्ट नोड हो जाएगा. ठीक है, तो न्यू नोड जो है उसका स्टार्ट पार्ट में, उसका लिंक पार्ट में सॉरी स्टार्ट स्टोर हो जाएगा. मीन्स प्रीवियस फर्स्ट नोड का एड्रेस जो न्यू फर्स्ट नोड है, जो न्यू नोड है उसका एड्रेस पार्ट में, उसका लिंक पार्ट में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, इससे क्या होगा, जो न्यू नोड है वो लिंक हो जाएगा विथ अदर नोड्स एंड न्यू नोड बिकम द करेंट फर्स्ट नोड. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब हमको स्टार्ट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट में प्रीवियस फर्स्ट नोड का एड्रेस है. तो अब हमको लिखना पड़ेगा स्टार्ट इक्वल्स टू NPTR. तो जो स्टार्ट है अब NPTR के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, यानी कि स्टार्ट में जो न्यू पॉइंटर है, जो न्यू नोड है उसका एड्रेस स्टोर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में हमेशा जो करेंट न्यू नोड होता है उसका एड्रेस ही स्टोर होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग एक मैसेज यहां लिख सकते हैं, सी आउट इंसर्टेड एलिमेंट इज, और ये जो नम है इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये एलिमेंट हम लोग का इंसर्ट हुआ था. इन एलिमेंट लोग यूज करते हैं टू प्रिंट और न्यू लाइन. ओके, तो ये हो गया हम लोग का इंसर्ट फंक्शन. ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेते हैं डिलीट फंक्शन को, void डिलीट. यहाँ पर मैंने डिलीट को, मैं डी जो है कैपिटल है, स्मॉल में नहीं लिखते, क्योंकि डिलीट जो है एक इन बिल्ट ऑपरेटर है फॉर डी इनिशियलाइजिंग दी पॉइंटर. ओके, तो डी जो है स्मॉल में नहीं लिख सकते, उसको कैपिटल में लिखना होगा. जो इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट ऑपरेटर डिलीट, उससे थोड़ा डिफरेंट रखना होगा. ठीक है, तो ये जो इंसर्शन का फंक्शन मैंने लिखा था, ये बिगिनिंग से इंसर्ट करने का फंक्शन है, और डिलीट का जो फंक्शन मैंने लिखा है ये भी बिगिनिंग से डिलीट करने का फंक्शन है. ठीक है, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है. ठीक है, तो इफ स्टार्ट इक्वल्स नल, तो स्टार्ट नल है इसका मतलब कोई भी नोड इसमें अभी नहीं है. तो हम लोग लिख सकते हैं नोड नॉट एग्जिस्ट. ओके, और हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, तो उसके लिए लिख सकते हैं रिटर्न. बट इफ देयर आर सम नोड्स, तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं. तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक टेम्पररी नोड क्रिएट कर लेंगे, नोड एस्टिक टेम्प. ओके, अब इस टेम्पररी नोड में स्टार्ट नोड को स्टोर कर लेंगे, टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट. ठीक है, तो जो फर्स्ट नोड मेरा होगा वो हो गया क्या, टेम्प में आ गया है. फर्स्ट नोड मेरा टेम्प में आ गया है. ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट नोड को हमको डिलीट करना है, तो सेकेंड नोड जो है अब मेरा फर्स्ट नोड हो जाएगा.
तो सेकेंड नोड का एड्रेस स्टार्ट में होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखना होगा, जो सेकेंड नोड का एड्रेस हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि सेकेंड नोड का एड्रेस अब हमको स्टार्ट में स्टोर करना है। तो सेकेंड नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड का लिंक पार्ट में है, और फर्स्ट नोड जो है वो स्टार्ट के इक्विवेलेंट है। तो हमको लिखना होगा स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट एरो लिंक। तो इसे क्या होगा, स्टार्ट एरो लिंक मींस स्टार्ट यानी फर्स्ट नोड का लिंक पार्ट में जो एड्रेस है, जो कि सेकेंड नोड का एड्रेस है, ये सेकेंड नोड का एड्रेस हमको चले गया किसमें, स्टार्ट में। तो सेकेंड नोड अब क्या हो गया, स्टार्ट नोड हो गया, ठीक है। यानी अब स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू सेकेंड नोड, यानी कि वो अब स्टार्ट में सेकेंड नोड का एड्रेस हो गया। तो अब सेकेंड नोड का एड्रेस स्टार्ट में आ गया, दैट मीन्स जो सेकेंड नोड है अब मेरा फर्स्ट नोड बन गया है। तो अब हम लोग टेम्प जो है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और टेम्प में प्रीवियस फर्स्ट नोड था, ठीक है। तो इस लाइन से टेम्प में प्रीवियस फर्स्ट नोड जो कि स्टार्ट में था वो आ गया, और अब स्टार्ट मेरा मॉडिफाई हो गया, स्टार्ट में स्टार्ट एरो लिंक यानी सेकेंड नोड का एड्रेस आ गया। तो सेकेंड नोड नाउ बिकम द फर्स्ट नोड, एंड वी विल नाउ वी कैन डिलीट द टेम्प सो दैट द फर्स्ट प्रीवियस फर्स्ट नोड इज डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, ओके। तो डिलीट करने से पहले जो डेटा पार्ट है उस टेम्पररी नोड में जो प्रीवियस फर्स्ट नोड था उसको प्रिंट कर लेते हैं। सी आउट एलिमेंट टेम्प एरो डेटा, जो टेम्पररी पॉइंटर है यानी प्रीवियस फर्स्ट नोड उसका डेटा पार्ट यहां से प्रिंट हो जाएगा, डिलीटेड। तो ये मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग टेम्पररी नोड को डिलीट कर देंगे यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, डिलीट टेम्प। तो टेम्प जो मेमोरी कंज्यूम किया है वो मेमोरी से डीइनिशियलाइज हो जाएगा, ओके। और एक लास्ट हम लोग एक और मैसेज लिख सकते हैं, द एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुल। तो अब ये कंप्लीट हो गया डिलीट फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्ले का फंक्शन भी लिख लेते हैं, जो कि लिंक लिस्ट का बिगिनिंग से लेकर एंड तक का जो एलिमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नोड तो लास्ट नोड एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा, ओके। सो void display और इसमें एक आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं नोड इसमें आर्गुमेंट हम लोग नहीं भी देंगे तो चलेगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, लिंक्ड लिस्ट एक लूप में लिखेंगे व्हाइल पॉइंटर बना लेते हैं हम लोग, नोड एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। तो पीटीआर में स्टार्ट आ गया, यानी कि पीटीआर में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया है। अब यहां हम लोग कंडीशन वाइल लूप में लिख सकते हैं, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। प्रिंट करेंगे सी आउट पीटीआर एरो
data, और इंडेल लिख दिया मैंने, और लिखना है और ptr इक्वल्स टू ptr एरो लिंक, तो ये लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है ये मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ट्रावर्सल ऑपरेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ptr बिगिनिंग में फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, देन ptr इक्वल्स टू ptr एरो लिंक, इससे क्या होगा जो ptr यानी जो नोड है उसका एड्रेस पास में दो एड्रेस है वो चले जाएगा ptr में, यानी ptr में सेकेंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो सेकेंड नोड अगर नल नहीं है तो उसका डेटा प्रिंट होगा, तो इसी तरह नोड डिफरेंट नोड्स का वैल्यू प्रिंट होता जाएगा, लास्ट नोड का लिंक पार्ट में नल वैल्यू होगा तो ptr में नल चले जाएगा, यहाँ पर लूप मेरा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो इससे मेरा डिस्प्ले हो जाएगा जो नोड वैल्यूज है फर्स्ट नोड से लेकर लास्ट नोड तक वो सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट में मेन फंक्शंस को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में नल स्टोर करेंगे, तो इनिशियलाइज फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पर फंक्शन नहीं भी बनाने से चलता, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे स्टार्ट इक्वल्स टू नल, यानी विदाउट इनिशियलाइज फंक्शन को कॉल किए, यानी इनिशियलाइज फंक्शन हम लोग नहीं बनाते और स्टार्ट इक्वल्स टू नल डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग मेन में ही और लिख सकते थे। ओके, तो स्टार्ट में नल स्टोर हो गया, अब हमको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इंसर्ट सपोज वैल्यू 3, ये वैल्यू नम में जाएगा, नम से इंसर्ट होगा, और फिर एक और इंसर्ट कर लेता हूँ 5, इंसर्ट 2, इंसर्ट 8, इंसर्ट 1, तो ये 5 एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो ये वैल्यूज 3, 5, 2, 8, 1 ये पास होगा यहाँ पर नम में, और ये नम में जो वैल्यू पास होगा 3, 5 ये इंसर्ट होते जाएगा इन डिफरेंट नोड्स, तो न्यू नोड्स क्रिएट होते जाएगा और लिंक लिस्ट में ऐड होते जाएगा। ओके, तो नोड इंसर्ट करने के बाद हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, डिस्प्ले, तो जितना भी नोड है ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद डिलीट फंक्शन को चेक कर लेते हैं, डिलीट फंक्शन जब कॉल करेंगे तो फर्स्ट जो नोड है जिसका वैल्यू 3 है वो डिलीट होगा, और उसके बाद हम लोग फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेते हैं, चेक हो जाएगा कि नोड कितना नोड अभी रिमेनिंग बचा हुआ है लिंक लिस्ट में। ओके, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, तो अब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो ये आउटपुट आ गया है। ओके, तो ये है आउटपुट, तो जो हमने एलिमेंट्स इंसर्ट किया था सबसे पहले 3, तो 3 हो गया मेरा फर्स्ट नोड बिगिनिंग में, फिर इंसर्ट किया 5, देन 5 बिकम्स फर्स्ट नोड, तो बिगिनिंग्स में इंसर्ट करने में यही होता है, 3 के बाद इंसर्ट हुआ फर्स्ट तो 5, तो 5 हो गया फर्स्ट नोड, फिर 2 इंसर्ट हुआ 2 हो गया फर्स्ट नोड, 8 हो गया फर्स्ट नोड, फिर इंसर्ट हुआ 1 हो गया फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड हो गया 1 और लास्ट नोड हो गया 3, और जो सीक्वेंस हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग 1, 8, 2, 5, 3, तो जब हम लोग डिस्प्ले फंक्शन कॉल किए तो उस आउटपुट हमको क्या आ गया 1, 8, 2, 5, 3, ये एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया था डिलीट फंक्शन, यहाँ पर ये डिलीट फंक्शन, तो डिलीट फंक्शन को कॉल करने से जो फर्स्ट नोड है वो डिलीट होगा, तो फर्स्ट नोड क्या है 1, 3 नहीं है 1 है फर्स्ट नोड, ये ध्यान रखिएगा, तो 1 जो है ये एलिमेंट फर्स्ट नोड डिलीट हुआ और एलिमेंट 1 जो है मेरा डिस्प्ले हो गया, एलिमेंट 1 डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया यहाँ पर डिस्प्ले, तो जो रिमेनिंग नोड एलिमेंट्स है वो मेरा डिस्प्ले होगा, रिमेनिंग नोड एलिमेंट क्या फर्स्ट नोड डिलीट हो गया, अब फर्स्ट नोड ये फर्स्ट डिलीट होने से जो फर्स्ट नोड बचा वो क्या है 8,
ये हो गया फर्स्ट नोड, देन सेकेंड नोड, देन थर्ड नोड, देन फोर्थ नोड, तो आउटपुट आ गया 8253। ठीक है, तो इस तरह से इजिली हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में बिगिनिंग से इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल हम लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।